हिमाचल सरकार मानव भारती विश्वविद्यालय डिग्री फर्जीवाड़े मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। पड़ोसी राज्य हरियाणा के भाजपा नेता भी इस मामले को दबाने के लिए हिमाचल सरकार को संपर्क कर रहे हैं। ये आरोप सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने भाजपा सरकार पर लगाए। उन्होंने मानव भारती के डिग्री फर्जीवाड़े पर कई प्रश्न उठाए और भाजपा सरकार को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार के समय में प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खोले गए। उन विश्वविद्यालयों को भी अनुमति दी गई जो नियम भी पूरे नहीं करते थे, जिसमें से एक मानव भारती विश्वविद्यालय भी है। उन्होंने कहा कि वे कौन से नेता थे जिनकी शह पर ये अनुमति दी गई, कौन कौन से अधिकारी की मिलीभगत से इस कार्य को अंजाम दिया गया, उनके खिलाफ भी भाजपा सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि जब प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे तब मानव भारती को विश्वविद्यालय की अनुमति प्रदान की गई, जबकि मानव भारती के पास जमीन केवल 30 बीघा थी, नियमानुसार 50 बीघा जमीन चाहिए थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मानव भारती के चेयरमैन पर देश और प्रदेश में विभिन्न मामले दर्ज थे, उनके बारे में पहले छानबीन क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अब इस विश्वविद्यालय में करीब 2000 करोड़ रुपए की फर्जी डिग्रियां बेची गई हैं। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। यहां तक कि इस विश्वविद्यालय के तार भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों से भी जुड़े हैं, तो इसकी जांच सीबीआई और ईडी से क्यों नहीं करवाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार मानव भारती फर्जीवाड़े को अब दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के भाजपा नेता भी इस मामले को दबाने के लिए न जाने किन कारणों से रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का खुलासा होना चाहिए कि पालमपुर के कौन सा व्यक्ति है जो इसमें दलाली कर रहा था, जम्मू कश्मीर से फर्जीवाड़े के तार कैसे जुड़े हैं, किन लोगों को इस विश्वविद्यालय से कंप्यूटर भेंट हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के राजनेता और केंद्रीय नेताओं के कहने पर हिमाचल सरकार इस मामले को दबाना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस इस मामले पर चुप रहने वाली नहीं है। इसका वे तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक कि दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता। बड़ी हैरानी की बात है कि 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में थी, उसमें 2008 में प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट जो है विधानसभा में लाया गया और इस एक्ट के तहत जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ओपन करने की इजाज़त देगी। और आज आप ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश में 17 यूनिवर्सिटीज को परमिशन उस समय दी गई। और जहाँ तक मानव भारती यूनिवर्सिटी का प्रश्न कर रहे हैं, मानव भारती यूनिवर्सिटी 2008 में जब इन लोगों ने अप्लाई किया तो इस यूनिवर्सिटी के पास 30 बीघा जमीन थी, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए सरकार ने ये नियम तय किए थे कि कम से कम 50 बीघा जमीन चाहिए। दो बार इस यूनिवर्सिटी की परमिशन जो है रिजेक्ट हुई, उसके बाद इसको परमिशन दी गई। किसके साथ लेन देन हुआ, किस आदमी के साथ इनका संपर्क हुआ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में इनका किसके साथ संपर्क हुआ, बहुत सारे इश्यूज हैं। और ये जो आदमी मानव भारती यूनिवर्सिटी जिसने लगा के रखी है, इसकी पिछली बैकग्राउंड देखनी चाहिए थी कि पहले भी बिलासपुर में इसके विरुद्ध जो है केस FIR 420 की दर्ज हुई थी, करनाल में चला गया, उसके बाद करनाल में इसके अगेंस्ट कई दो FIR करनाल में दर्ज हुई, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगह FIR दर्ज हुई, उसके बाद भी इसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ चलाने की इजाज़त दी गई। और अब ऐसा पाया गया है, जब विधानसभा में ये मामला उठा, किसी प्राइवेट चैनल ने इसका खुलासा किया कि हिमाचल प्रदेश में मानव भारती यूनिवर्सिटी में और दूसरी भी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पर फर्जी जो है डिग्रियाँ बेची जा रही हैं, जब विधानसभा में मामला उठा तो फिर जो है ये मामला गरमाया। हमने विपक्ष के नाते हमने सभी ने वॉकआउट किया और इसका विरोध किया, और सत्ता पक्ष के लोग उस वक्त भी इन यूनिवर्सिटीज की वकालत कर रहे थे कि विपक्ष जो है इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब खुलासा हुआ है कि 5 से 6 लाख डिग्रियां देश में नहीं विदेशों तक बेची गई हैं, जिन डिग्रीज के इनके पास परमिशन नहीं थी, इजाजत नहीं थी कोर्सेज चलाने की, वो डिग्रियां भी इन्होंने बेची हैं। और इस सारे जो ये स्कैम हुआ है, इसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए का ये स्कैम है। क्या कारण है